मौसम ने प्रदेशों को गले तक डुबो दिया, लेकिन बेशर्माला अधिकारी जनता की प्यास बुझाने में अभी भी असमर्थ हैं। यही हाल कुछ मछुआ नगर पुराना कानपुर थाना कोहना का है। पिछले कुछ महीनों से परेशान यह मोहल्ला जाने कितनी शिकायतें और न जाने कितनी अर्जियां लगा लगा कर परेशान हो चुका है। कहते हैं खाना न मिले तो आदमी की मौत 7 दिनों में हो सकती है, लेकिन पानी के बिना आदमी की मौत 2-3 दिन में हो जाती है। इस मामले में जे अतुल कुमार का कहना है कि पार्षद मदन बाबू ने निरीक्षण कर लिया है, काम हो जाएगा, लेकिन महीना बीत चुका, कुछ पता नहीं काम कब होगा। इन सबसे सही तो जल विभाग से जुड़े बलवीर वाजपेयी हैं, जो लोगों को पानी का नया कनेक्शन देकर पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वो भी मात्र 10 से 11 हजार रुपए में, जबकि ये सरकारी कनेक्शन निःशुल्क मुहैया कराना होता है। आराम से वाजपेयी जी खा रहे हैं पैसे और ऊपर तक खिला भी रहे हैं। और तो और नगर निगम को तो इस तरफ करवट ही नहीं आ रही है, गहरी नींद में जो है। कोई बात नहीं, वैसे भी प्रशासन 1 या 2 मौत होने के बाद ही जागता है। ये कौन सा एरिया आप लोग क्यों इतनी भीड़ लगा? मछुआ नगर एरिया जी, मछुआ नगर इधर रामेश्वर मंदिर और बैराज के बगल में। हमने नीलमा कटवाल को भी एप्लीकेशन दे चुके, वो भी आदेश कर चुके, आज तक कोई लाइन नहीं पड़ेगी गंगा ब्रज की, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, हमारे यहाँ मदन सभासद हैं, हमने हमारी यहाँ की पब्लिक बहुत बार जा चुकी है, हमारे बच्चे भी लगते हैं भाई है, और तमाम बार वहाँ मास्क बांट के गई है। क्या नाम है सभासद का? मदन सभासद। कौन सी पार्टी से? इससे भाजपा से, बीजेपी से। समस्या क्या रही आपको? समस्या पानी की। कब से आई ये? कम से कम 6 साल हुआ यार, ये साल हुआ, बहुत दिन से परेशान। आपने शिकायत की कहीं, कंप्लेन की या किसी अधिकारी? नीलमा कटवाल के टीम में, नंबर नीलमा कटवाल को की, और का कारण इनको मदन सभासद को की, और तुम्हारे इनका मेयर को की, मेयर को कर, और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा हमने। ये लगभग साल भर से एक एक बूंद के लिए परेशान है, 3-3 बज जाता हम लोगों जागते, 3 बज गया, 4 बज गया, मोटर चला के आदमी परेशान हो गया, बीमार हो गया, हार्ट अटैक हो गया, समझ लो आदमी। इस एरिया में लमसम कितनी आबादी होगी? अरे यहाँ कम से कम 7-8 हजार की आबादी है। अच्छा, ये सबकी इतनी आबादी की समस्या है? हाँ, एक भी आज तक का आके नगर निगम से सभासद भी आए, चल करके अधिकारी आए, यही आए, अनूप आए, और उनके साथ और भी कई सहयोगी मैप लेके आए। और सबसे बड़ी समस्या तो ये बलवीर जो वाजपेयी है, ये पाइपलाइन बंद कर देता है, प्राइवेट है, और 8-8 से 10-10 हजार रुपए लेता है, और इसी वजह से पानी नहीं आ रहा है। अभी तक पानी की कोई समस्या नहीं। यही साहब आए, पूरा सर्वे करके गए, आश्वासन उन्होंने दिया कि पूरा हमने आपका मटेरियल दे दिया है, जनरेटर की व्यवस्था कर दी है, आपकी जो RCC पड़ी है उसकी खुदाई होगी, उसके लिए जनरेटर, पूरा सामान गंगा बैराज में रखा, बलवीर वाजपेयी को काम भी बता दिया है। उसके बाद कम से कम 2 महीने हो गए, आते हैं हम लोग, फोन करते हैं, हाँ अभी होगा, बस आश्वासन पे आश्वासन है, काम कुछ नहीं है।